वेलकम गाइस बैक टू लोकी क्राफ्ट सीरीज। सो पिछले एपिसोड में मेरे को ये विलेज मिला था और मैंने बोला था कि इस विलेज को मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करूंगा। तो यहाँ नाइट हो रही है, सबसे पहले मैं नीचे उतर उतर सो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखो, यहाँ एक विलेज है, ये ट्रेड कर रहा है जो कि बचा रहा है। ये हमेशा यहीं पे चेस्ट के पास क्यों खड़े रहता है पता नहीं, इसको लगता है ये इसकी चेस्ट है। मैंने पिछले एपिसोड में मतलब ऑफलाइन जाके लगाई थी और यहाँ की ये बुक शेल्फ तोड़ी थी, तो इससे मेरे को 3 बुक्स मिली थी और मैंने इसको चेस्ट में डाल दिया था। ये सारा सामान मेरे को मिला था। और ये जो बेड है ये भी मैंने पिछले मतलब ऑफलाइन में बनाया था। और इस विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने की बारी है, तो चलो इस विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ ये विलेज का पहला हाउस जिसके ऊपर मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टेयर्स अजीब तरीके से लगी थी और ये वाला झोपड़ी तो पूरा खाली है, पूरा विलेजर के दिमाग की तरह। और ये नेक्स्ट घर, इसके अंदर ये अजीब सा स्लैब जैसा ब्लॉक है कुछ, और यहाँ की मैं टर्च तोड़ लूँगा क्योंकि मैंने कुछ माइन भी नहीं किया है। वहाँ मेरे को स्केलेटन दिख रहा है क्योंकि नाइट हुई थी ना। अच्छा हुआ था मैं पहले आके सो गया था और नाइट स्किप हो गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा था मैंने अभी तक माइन भी नहीं किया है और मेरे पास कोल भी नहीं है। और ये घर कैसे बना है, इस विलेजर को मारो, विलेजर मेरे को रोक रहा है उसको बचाने से। मैं इसको बचाऊंगा इसके अंदर। ये विलेजर तो अलग ही सा दिख रहा है, यहाँ पे टर्चे लगी हैं, मैं टर्चे ले लेता हूँ यहाँ की। और यहाँ तो सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और यहाँ एक और टर्च है, एक टर्च में यहाँ पर ऐसे ही रहन दूँगा। यहाँ भी उजाला होना चाहिए, इसकी वजह से ही तो मेरे को 3 टॉर्चें मिली। और ये फोर्थ टॉर्च मैंने दूसरे झोपड़ी से ली थी इधर से, और ऊपर भी कुछ नहीं है। ये शायद विलेज का टॉप व्यू देखने के लिए शायद बनाया गया है। विलेज तो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन फिर नीचे चलो वापस से स्टेयर्स लैडर पे मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा। ये एक और फ्लोर है, इस पर मुझे पता ही नहीं था, ये भी खाली है, विलेजर भी यहाँ से चला गया। और ये बाकी सारे घर भी वैसे ही दिखते हैं, इनमें ब्लैकस्मिथ का भी हाउस नहीं है। यहाँ स्केलेटन, इसने मेरे को मारा, चलो छोड़ो कोई ना, कभी और इसको मारेंगे। और डिस्पॉन भी नहीं होता ये, और वहाँ पे भी एक स्केलेटन था, यहाँ पे भी है। सो विलेज मैंने तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन अभी मेरे को घर बनाना है, उसके लिए मेरे को थोड़े वुड कलेक्ट करने होंगे। सो मैंने इतनी सारी वुड कलेक्ट कर ली, मेरे को लग रहा है और शायद लगेंगी क्योंकि ये बहुत ही कम है। मैंने बहुत ही एक नया अलग सा ही स्ट्रक्चर सोचा है अपने हाउस के लिए। और यहाँ नाइट भी होने लग गई थी और मैंने सिर्फ इतना सा ही वुड कलेक्ट कर पाया, ये बहुत ही कम है उस घर के लिए। चलो कोई ना, सबसे पहले फिर से जाके नाइट स्किप करते हैं। यहाँ सनसेट कितना अच्छा लगता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है सनसेट। और चलते हैं अपने विलेज के ही हाउस में जहाँ पे मैंने बेड लगाया है। कितने सारे विलेजर आ रहे हैं, एक और आ रहा है, फिर से आ गया, इसको पड़ी हिट। और ये सारे ट्रेड करते हैं, ये सारे मेरे को फार्मर ही लग रहे हैं। यस, ये सारे फार्मर ही हैं। तो सबसे पहले मैं नाइट स्किप कर लेता हूँ। तो ये लोकी क्राफ्ट ही है और ये कोई माइनक्राफ्ट जैसा नहीं है उतना। और इसमें ये जो विलेजर हैं ये सोते भी नहीं हैं, इसमें हम इसको अभी भी लग रहा है कि ये इसी की चेस्ट है, इसको बताना पड़ेगा लग रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा है मेरी चेस्ट है, इसको मारो ये, चलो छोड़ो उसको, उसका ही घर है मेरे को तो लगता है। सो अभी मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी वुड लेके उसका हमें स्लैब बना लेना है और फर्नेस में डाल देना है। और ये जो है, एक वुड जितने देर में जलता है उतना ही ये स्लैब भी जलता है। और ये स्लैब जो है सही रहेगा और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कुक कर सकते हैं। ये पोर्क चॉप भी इसके अंदर ही तैयार हो जाएगा क्योंकि मेरे पास कोल नहीं है। मैंने अभी कुछ माइन भी नहीं किया है और मेरे को अभी अपना एक घर बनाना है। और ये घर बनाने के लिए मेरे को फ्लैट एरिया ढूंढना पड़ेगा। और इस साइड यहाँ स्केलेटन ही स्केलेटन भरे पड़े हैं, एक तो ये डिस्पॉन भी नहीं होते, एक वहाँ पानी में है और यहाँ एक ट्री के नीचे है। मेरे को वहाँ फ्लैट एरिया दिख रहा है और मैं वहीं पे फ्लैट एरिया पे जाऊँगा। क्या पता ये सही हो, यहाँ पे घर बन जाए आसानी से कम ही जगह चाहिए वैसे तो। और बहुत ही यूनिक आइडिया आया है मेरे माइंड में कि मैं अपने घर को कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे पम्पकिन भी है, यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे पम्पकिन्स भी हैं। वैसे तो इसको मैं खा नहीं सकते, इसको हम हेड में पहन सकते हैं। और ये जगह मेरे को सही लग रही है, तो यहीं पर मैं अपना घर बनाऊँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि किस एंगल में, ये एंगल मेरे लिए ठीक रहेगा, यहाँ से सही भी है, पीछे माउंटेन भी दिख रहा है। तो चलो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ।
यार जब मैं बना रहा था तो मेरी वुड ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे वुड थोड़ी कलेक्ट करने चला गया था और यहाँ रेन भी हो रही थी तो फिर मैं यहाँ आ गया। मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ले आया और बेड, क्योंकि नाइट हो रही थी तो बार बार मेरे को वहाँ जाना विलेज में। और ये जो सीड देख रहे हो आप, सीड भी मेरे को वैसे ही मिल गई थी, तो मैं पहले स्टेयर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टेयर्स बनाऊँगा। यार मेरा हाउस बन के कम्प्लीट हो चुका है, देखो कितना अच्छा हाउस लग रहा है। यहाँ पे मैं अभी एनिमल फार्मिंग करूँगा, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है इसीलिए मैं अभी नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं फार्मिंग कर लूँगा ब्रेड व्हीट इन सब की, और यहाँ पे कैरोट वरुट की भी फार्मिंग कर सकता हूँ मैं। और इस साइड फिर से एनिमल फार्मिंग करूँगा, एक साइड शीप रखूँगा और एक साइड काऊ रखूँगा। और यहाँ पे दो क्यों नहीं लगे थे, इधर मैं ये लगा देता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं। और इन खाली एरिया में मैं फेंस गेट्स लगाऊंगा ताकि मैं आ जा सकूँ आराम से। और यहाँ पे देखो स्टेयर्स मैंने लगाई थी, यहाँ एक स्टेयर्स गलती से लग गया था तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहीं पे स्टेयर्स भी लगा दी। और फिर और ये और अच्छा लगने लग गया। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ, ये गलती से यहाँ रखाया हुआ है, मैं वैसे ही रख दिया था जल्दबाजी में जब घर बना रहा था, तो घर बनाते समय बहुत मेहनत लगी, हालत ख़राब हो गया। और इस चेस्ट में मैंने सारा सामान रख दिया है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, बाकी सारी वो विलेज की चेस्ट में पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से यहाँ पे ले आऊँगा। और इस साइड में फर्नेस लगाऊँगा और इस साइड में चेस्ट लगाऊँगा, यहाँ से विलेज का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे मैं फर्नेस लगा दूँगा हर जगह। और ये बालकनी देखो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आता है, उस साइड देखो जंगल है और उस जंगल के अंदर भी हम एक्सप्लोर करने चलेंगे कभी। और इस साइड विलेज है हमारे, विलेज का व्यू भी हम देख सकते हैं। और पीछे हमारे माउंटेन था वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरे को विंडो बनानी पड़ेगी। माउंटेन का देखो कितना अच्छा सीन आ रहा है, यहाँ से वाटर दिख रहा है हमें जो कि फ्लो। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, जल्दी से जाके कर दो लाइक, और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हाँ, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।